तो गाइस काफी देर लाइन लगने के बाद मुझे मिल चुका है हमारा आईफोन, अरे आईफोन नहीं भाई, ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी A4e स्मार्टफोन है जिसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। आईफोन से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो मेरी यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक ना। और अभी तक जो है मैंने देखो इसकी सील तक नहीं खोला, मैंने सोचा आप लोग के सामने ही खोलूँगा, चलो आप फटाफट इसकी सील खोल लिया जाए और निकाला जाए। आई एम सो एक्साइटेड यार, पता नहीं कैसा क्या होगा, चलो फटाफट इसको कटआउट कर लेते हैं। तो ये हमने सील को जो है कट कर लिया है, अब निकालते हैं। ज़रा अपना स्मार्टफोन देखूँ तो यार कैसा है, ये खुल गया, ये देखो यार कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो चलो फटाफट स्मार्टफोन को ज़रा बाहर निकाला जाए और देखें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो ये है हमारा स्मार्टफोन, देख सकते हो ब्लू कलर में है, काफ़ी ज़्यादा गजब का लग रहा है। इसको साइड रखता हूँ और इसके साथ देखते हैं, इसके साथ हमें जो है एक एडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 10 वाट का बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं, बट ये जो है 5 वोल्ट का ही है। और इसके साथ आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि USB Type-C to USB वाली है, इसको भी साइड में रखता हूँ। और बॉक्स हमारा हो गया है खाली, सब कुछ जो है साइड में रख के अब ज़रा देखा जाए। और उसके साथ हमें जो एक बैक कवर देखने को मिल जाता है, प्योर सिलिकॉन का है, अभी इसको लास्ट में मैं लगाऊंगा। तो चलो अब चीज़ों को साइड में करके अब देखा जाए ज़रा अपने स्मार्टफोन को। तो ये देखो यार काफ़ी ज़्यादा गजब का है, इसमें पन्नी लगी हुई है, तो इस पन्नी को जो है मैं सबसे पहले हटा देता हूँ। तो अब ये देखो आप फाइनल इसका लुक देख लो यार, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। इसके अगर आप लोग राइट साइड पे देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं इसको राइट साइड में दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो राइट साइड में आप लोगों को दो बटन देखने को मिल जाती हैं, पहली पावर वाली बटन है और सेकंड जो है आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन देखने को मिल जाती है। और इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिम ट्रे देखने को मिलेगी और जो कि यहाँ पे लगी हुई है। और नीचे साइड पे आपको यहाँ पे टाइप सी वाला एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, सामने स्पीकर और एक ऑडियो जैक वाला यहाँ पे पोर्ट देखने को आपको मिल जाता है। तो चलो अब फाइनली इसको ऑन किया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पावर बटन को दबा के रखा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो सैमसंग लिख के आ चुका है। अब ये पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलो थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने लगा है और ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बनकर आ चुका है जहाँ पे स्टार्ट करने को बोल रहा है। तो हम सिंपल जो है स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्लिक करता हूँ मैं, तो क्लिक करते यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आ रहा है। अब यहाँ पे आपको फॉर योर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना होगा, जिससे आपको सभी टर्म्स कंडीशन पे एग्री कर देना है, ठीक है। तो एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मैंने अगेन क्लिक किया। तो यहाँ पर थोड़ा जो है टच का रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, बट कोई नहीं, यहाँ पे आपको वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने को बोल रहा है, बट हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट से स्किप करेंगे, ठीक है। तो स्किप अगेन आपको स्किप पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे स्किप मैंने फिर से क्लिक कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया टच का थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में, बट बाद में नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको गूगल सर्विस देखने को मिल जाती है, तो आपको स्क्रोल डाउन करना होगा एंड इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, डायरेक्टली आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको प्रोटेक्ट योर फ़ोन बोल रहा है कि आप इसमें पासवर्ड या पिन लगाना चाहते हो कि नहीं, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं लगाऊंगा, मैं बाद में इस सब चीज़ों को देखूंगा। तो मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ, ठीक है। स्किप एनी वे पे अगेन क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने कर दिया है। अब करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके बाद ही नेक्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है जहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेड ऐप डाउनलोड करने ही पड़ेंगी। यहाँ पर देख सकते हो रिकमेंड ऐप आ रही हैं, आपको जो है इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप चाहो या ना चाहो आपको डाउनलोड तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरफेस ये आ जाएगा जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल नीचे स्किप का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको स्किप वाले बटन पे बस क्लिक करना है। तो करने के बाद अगेन स्किप का ऑप्शन आएगा, उस पर दोबारा से क्लिक कर देना। तो करने के बाद यहाँ पर सैमसंग की सर्विस आ जाएगी जो पहले से ही इनेबल है, आपको इसे बस एग्री करना है, ठीक है। तो एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले प्रेफरेंस देनी है कि आप किस टाइप में डिस्प्ले को यूज़ करना चाहते हो। वैसे मैं जो है लाइट मोड में यूज़ करता हूँ, डार्क मोड में मुझे चलता नहीं है, तो मैं लाइट मोड पे ही रहने दूंगा। एंड देन यहाँ पे हमारा फुल सेटअप हो चुका है लगभग, अब हम जो है फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिनिश के बटन पे क्लिक कर दिया है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, नेक्स्ट इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ चुका है जहाँ पर आपको इसको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो डिटेल में, बट मैं यहाँ पे फटाफट कर रहा हूँ। तो एग्री करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले आ चुकी है जहाँ पे अभी आप देख रहे हो योगी मोदी जी की फ़ोटो नहीं आ रही है। मैंने जो इसको हटाना आप लोगों को सिखाया है कि आप लोग कैसे इनकी फ़ोटोज़ को हटा सकते हो, आई बटन पर वीडियो आ रहा होगा, आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको कुछ वीडियोज़ इसमें चला के दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो।
मैं इसको ख़राब एंड अच्छे तो नहीं बोल सकता, बट इस प्राइस हिसाब से जो है डिसेंट सी डिस्प्ले ज़रूर है, क्योंकि यार हमें जो है फ्री में ही मिला है तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले यार काफ़ी डिसेंट सी है, बढ़िया लग रही है। आप जो है इसको लाइटनिंग में लेकर जाओगे तो काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगा। अब हम चेक करते हैं इसके स्पीकर की, भाई इसके स्पीकर क्वालिटी कैसी है। तो मैं विदाउट कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है इसको प्ले कर लेता हूँ। तो आप लोग को यार इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे लगी? मुझे तो यार पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, काफ़ी तेज़ यार इसकी ऑडियो लाउड काफ़ी तेज़ बजता है। तो अब जो है कुछ इसका कैमरा टेस्टिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं कैमरे पे आ चुका हूँ और कुछ फ़ोटोज़ मैं क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा जूम देखने को मिल जाता है। तो चलो अब कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की जाए। तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो कि मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ सैम्पल के रूप में, आप देख सकते हो। और वीडियो में जो है आप 1080p पे जो है 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस अभी जो मैं आप लोग को वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ वो मैं जो है इसी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी 1080 के 30fps पे, क्योंकि इससे ऊपर की जो है इसमें रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करती है। तो इसी में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग इससे क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हो कितनी बेटर क्वालिटी ये आप लोग को देने वाला है। और ये मेरा यूट्यूब का सेटअप है, आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो फिर से चलो आगे बढ़ते हैं, इससे ऊपर की आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो चलो अब बैक कवर को जरा लगा के देखा जाए कैसा लगता है हमारा फाइनली लुक इसका। तो ये हमने यहाँ पे निकाल के इसमें जो है सेटअप कर लिया है, प्योर सिलिकॉन का है, तो काफ़ी स्मूथली जो है हमारे यहाँ पे सेट हो चुका है फ़ोन के अंदर। ये देख सकते हो आप काफ़ी गजब तरीके से लग रहा है। आपको यहाँ पे मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ, और योगी मोदी जी की फ़ोटो तो आपको हटाना हो तो आपको आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को स्मार्टफोन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर आप लोग कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय बाय।